Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So today I am going to make a 5-minute quick DIY best out of waste material. So before we start the video, it will take just few seconds. Please subscribe to my channel if you haven't. Click that red subscribe button, give this video a big thumbs up and turn on the bell icon if you won't miss my videos. So without wasting much time, let's jump into the video. सो बेसिकली आज मैं आपके साथ में एक ये क्यूट DIY प्लांटर और एक फ़ोटो फ्रेम शेयर करूँगी. तो जो फ़ोटो फ्रेम है ये मैंने DIY किया है और जो प्लांटर है वो जस्ट ए हैक है. एंड द बेस्ट थिंग ऑफ दीज DIYs इज़ कि ये बहुत ही मतलब कम टाइम में बन जाएंगे, बहुत ही आराम से और बहुत ही मिनिमल चीज़ों के साथ में आप इनको तैयार कर सकते हैं. DIY शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में अगेन एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप इस टाइप के कोई क्राफ्ट ढूंढ रहे हैं जो बनाने में आसान हो या फिर अंडर बजट हो एंड फ्रॉम द बेसिक वेस्ट मटेरियल, देन यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म. सो मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह की और न्यू वीडियोस के आइडियाज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने का. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सो ये ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर आइटम बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पुराना कैलेंडर. इसके ऊपर काफ़ी प्यारे प्यारे फ्लावर्स का प्रिंट है तो आज इसी को हम अपने DIY में यूज़ करेंगे. और जितना भी हमें पोर्शन चाहिए, जितना बड़ा हमें अपना ये वॉल डेकोर बनाना है उसी के साइज़ का मैंने कार्डबोर्ड पीस को कट कर लिया है. और जो भी प्रिंट हमें चाहिए कैलेंडर का, जो भी एरिया, जो फ्लावर्स हमें चाहिए वो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1 इंच 1.5 इंच की स्पेस दे के मैंने उसको भी कट कर लिया. कार्डबोर्ड की एक साइड के ऊपर पूरे में फेविकॉल मैंने स्प्रेड कर लिया है और जो भी फ्लावर का जो भी हमें प्रिंट चाहिए था उसके बैक साइड से कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने कवर कर दिया है. और जो ये कैलेंडर के पेपर की जो भी साइड्स एक्स्ट्रा निकली हुई थी उनको भी मैंने स्टिक कर दिया है. तो इसके बाद मैंने ग्लिटर शीट ली है. ये मेरे पास ब्लैक कलर की ग्लिटर शीट रखी हुई थी तो इसकी मैंने स्ट्रिप्स, लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं. इसकी मैंने कोई मेजरमेंट नहीं ली है, मैंने ऐसे ही बस सेम सबका स्ट्रिप्स का जो साइज़ था सबका मैंने सेम रखा है. इसको कट करके निकाल लिया है और अभी मैं इस फोटो फ्रेम के चारों साइड में, दोनों फ्रेम के चारों साइड में जो ये ग्लिटर शीट की मैंने जो स्ट्रिप्स कट की थी इसको मैं फेविकॉल की हेल्प से चिपका दूंगी. तो आप चाहें तो इसमें ट्रांसपेरेंट शीट का भी को लगा के भी इसके ऊपर जो ये ग्लिटर शीट है इसको लगा सकते हैं, बट मेरे पास नहीं थी तो मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया है. और आप देख सकते हैं ये कितनी जल्दी, कितना कम टाइम में और कितनी मिनिमल चीज़ों के साथ में रेडी हो गया है. आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि एक मक्खी है जो बार बार मेरे को डिस्टर्ब कर रही है. एक्चुअली जब मैं ये DIY बना रही थी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और फ़ैन या कूलर मैंने इसलिए नहीं चलाया हुआ था कि अगर पेपर के साथ में हम कुछ काम करते हैं, कोई DIY बनाते हैं, कुछ भी करते हैं तो जो पेपर है वो बार बार उड़ता रहता है तो जो काम है वो अच्छे से नहीं हो पाता. इसलिए मैंने फ़ैन कूलर सब बंद कर किया हुआ था तो बार बार ये मक्खी मुझे परेशान कर रही थी. ओके, बातों बातों में देखिए हमारा जो DIY है, वॉल फ्रेम है या वॉल डेकोर पीस है वो भी रेडी हो गया है और देखिए कितना प्यारा उभर के आया है ये. तो इसके साथ ही अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा जो मैं बोल रही थी कि है कि या फिर DIY उसकी तरफ. तो उससे पहले अगर आपको मेरा ये DIY वॉल डेकोर पीस पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा. तो उसके बाद मेरे पास एक ये कप था. ये कप बहुत क्यूट सा था. एक्चुअली ये साइड से आप देख भी पा रहे होंगे ये क्रैक हो गया है तो अभी इसमें आप टी या कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं पी सकते. तो इसे हम एज ए प्लांटर यूज़ करने वाले हैं. ये देखने में बहुत ही कलरफुल, बहुत ही प्यारा और इसमें टाइगर की जो फिगर है वो उभर रखी.
तो एज ए प्लांटर यूज़ करने के लिए मैंने एक जो माजा वाली बॉटल आती है मैंने उसको ऊपर से कट कर लिया था, और काफ़ी दिन पहले मैंने इसमें ये प्लांट लगाया था, तो अभी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया है। तो एक्चुअली मैं इसको इसी के लिए तैयार किया हुआ था मैंने, और मैंने इसको जो बॉटल में जो प्लांट लगाया था इसको मैंने कप के अंदर डाल दिया है, और अब हमारा देखिए प्लांटर कितने मतलब कम टाइम में ही और कितना प्यारा लग रहा है और कितनी जल्दी से मतलब सेकंड्स में रेडी हो गया। तो अगर आप इस तरीके की और हैक्स या फिर जो DIY वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपके पास में कोई सजेशन या फिर कोई और आइडिया है तो आप प्लीज़ मेरे साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।